तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह से जंग के बीच अचानक इसराइल ने ईरान पर किया फाइटर जेट भेजकर हमला, 3 शहरों को बनाया निशाना। तो भड़के मुस्लिम देश ईरान को दे दी खुली छूट, बोले इसराइल पर करे हमला। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, जेल में बंद आजम खान का नाम भी है शामिल। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले यति नरसिम्हन सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ से मांगी मदद, बोले मेरी कर सकते हैं मुसलमान हत्या, इसलिए मुझे दें सुरक्षा। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने मोदी सरकार को दी धमकी, कहा मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो देश में होगा गृह युद्ध। बहराइच हिंसा का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, पुलिस ने उपद्रवियों के साथ मुसलमानों के घरों में लगाई आग, उपद्रवियों को पुलिस ने दी खुली छूट, पुलिस ने भड़काई बहराइच में हिंसा, मुसलमानों की नहीं है कोई भी गलती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह से जंग के बीच इसराइल ने ईरान पर किया हमला, 3 शहरों में मचाई तबाही, भड़के मुस्लिम देश। तो आपको बता दें कि इसराइल हिजबुल्लाह के बीच इस समय जंग चल रही है। इसी जंग के बीच इसराइल की वायु सेना ने सुबह सुबह ईरान में हमला कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के 3 शहरों में इसराइल की वायु सेना ने हवाई हमले किए, जिसमें ईरान को काफी नुकसान हुआ है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान पर इसराइल के हुए हमले से मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं और मुस्लिम देश ईरान के साथ एकजुट हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल के हमले के बाद मलेशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने इसराइल के हमले की निंदा की है और ईरान का खुलकर साथ देने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इसराइल के हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। वहीं ईरान ने भी इसराइल को धमकी दी है कि वो अब इसराइल को सबक सिखाएगा और हर कीमत पर इस हमले का बदला लेगा। दरअसल आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें इसराइल को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था और इसी हमले के बदले में इसराइल ने आज ईरान पर हमला किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जेल में बंद आजम खान का नाम भी है शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम भी शामिल है। सूची में पहले स्थान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के बाद 3rd नंबर पर मोहम्मद आजम खान का नाम शामिल है, 4th नंबर पर डिम्पल यादव का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया है। लेकिन आजम खान को अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब देखना यह होगा कि आजम खान जेल से बाहर आकर प्रचार करेंगे या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच हिंसा का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, पुलिस ने दंगइयों को दी खुली छूट, दंगइयों के साथ चलती दिखाई दी पुलिस, तोड़ रही थी गाड़ी। जो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उपद्रवी सड़क पर खड़ी गाड़ियों को कुचलते नजर आ रहे हैं और इन उपद्रवियों के साथ पुलिस भी खड़ी है। पुलिस इन उपद्रवियों को रोक नहीं रही है, बल्कि इनको छूट दे रही है कि वो गाड़ी तोड़े, नुकसान फैलाएं। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद बहराइच पुलिस की नींद उड़ गई है और बहराइच पुलिस पर अब आरोप जनता ने लगाए हैं कि बहराइच पुलिस ने मिलकर ये जबरदस्ती हिंसा फैलाई है और इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले यति नरसिम्हन सरस्वती ने अपनी जान को बताया खतरा, योगी सरकार से मांगी सुरक्षा। जब दोस्तों आपको बता दें कि आए दिन इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले विवादित बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती ने अपनी जान का खतरा बताया है। बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती ने योगी सरकार से मांग की है कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है, इसलिए उनको योगी सरकार सुरक्षा मुहैया कराए। दरअसल आपको बता दें कि बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती ने बीते दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ काफी प्रदर्शन मुसलमानों ने किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको हिरासत में भी
लिया था, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ से यति नरसिम्हन सरस्वती ने गुहार लगाई है कि महाराज मुझ पर कृपा कर दें क्योंकि मुझे लोग मरवा देंगे क्योंकि मैंने इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की है। यानी यति नरसिम्हन सरस्वती की जान को खतरा है, उसकी कभी भी हत्या हो सकती है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान पर इसराइल का बड़ा हमला, 3 देशों में सभी उड़ानें रद्द, अब बदले की तैयारी में जुटा ईरान। जो दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोला है। ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के स्थित सैन्य ठिकानों पर इसराइल के फाइटर जेटों ने भीषण धमाके किए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल ताककर हमला किया था और करोड़ों रुपये का इसराइल को नुकसान हुआ था। इसी हमले का बदला इसराइल ने आज ईरान से लिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसराइल के हमले के बाद ईरान आग बबूला हो गया है और ईरान ने सीरिया, इराक और इराक में अपने सभी स्थानों को स्थगित करते हुए इनके सभी हवाई स्पेसों को बंद करने का आदेश दिया है और ईरान ने कह दिया है कि वो हर कीमत पर इसराइल पर हमला करेगा और ये हमला कभी भी हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने दी धमकी, कहा मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रही है। जदोसो आपको दादे की कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने धमकी दी है कि अगर भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों को ढहाया जा रहा है तो भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उत्तरकाशी में निर्माणाधीन मस्जिद के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि BJP शासित राज्यों में लगातार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और जो मस्जिदें वैध हैं उनको भी अवैध हिंदूवादी संगठन बता रहे हैं और उन्हें खसाने की मांग कर रहे हैं। राशिद अलवी ने कहा कि अगर ऐसा ही देश में चलता रहा तो मुसलमानों को गृह युद्ध करना पड़ेगा। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान के समर्थन में उतरे राकेश टिकैत, बोले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मांग ले माफ़ी। जदोसा आपको दादे की बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद सलमान खान को कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। इन्हीं धमकियों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत भी सामने आए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सलमान खान का समर्थन करते हुए उनसे लॉरेंस बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगने की अपील कर दी है। दरअसल आपको दादे की राकेश टिकैत ने कहा कि सलमान खान को अपनी जान प्यारी है तो सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के समाज से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मंदिर में जाकर ये काम उनको करना चाहिए। अगर सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आने वाले सब समय में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चेले टपका देंगे, इसलिए उनको बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपकी क्या राय दोस्तों, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस में जल्द शामिल होंगे BJP के 8 विधायक, यशवंतपुर के MLA ने किया दावा। जो दोस्तों आपको बता दें कि यशवंतपुर के विधायक ST सोमशेखर ने शुक्रवार को दावा किया है कि 8 भाजपा विधायक जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। यशवंतपुर के विधायक ST सोमशेखर ने TV9 को दिए विस्फोटक बयान में ये बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि BJP से लोग ज़्यादा खिलाफ हैं और यहाँ पर BJP की सरकार भी नहीं बन पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में जब से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ कैंडिडेट वापस लेगी शिवसेना। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। सूबे में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अखाड़ी के बीच माना जा रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दो धड़ों में कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर माथापत्ती चल रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महायुति एक सीट छोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल आपको दादे की ये सीट महीम की है और यहाँ से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़े हैं। दरअसल आपको दादे की इस सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी अपना सदा सरवणकर को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि राज ठाकरे के एहसानों का बदला चुकाने के लिए महायुति कुर्बानी देने की तैयारी करती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति की खूब मदद की थी। ऐसे में अमित ठाकरे का समर्थन करने के लिए महायुति इस सीट से अपने उम्मीदवारों के नामों को पीछे लेने पर विचार कर रही है
और इस मुद्दे पर जल्दी देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच बैठक भी होने वाली है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले यति नरसिम्हन सरस्वती ने अपनी जान को बताया खतरा, योगी सरकार से मांगी सुरक्षा। जदोसा आपको दादे की आए दिन इस्लाम धर्म और पैगंबर